के हसनपुर तहसील के थाना सैद नगली के कस्बा उजारी में बदमाशों ने दो परिवारों को बंधक बनाकर 1,00,000 रुपए से अधिक की नकदी समेत 2,00,000 रुपए के आभूषण लूट लिए। वारदात की जानकारी से इलाके में भी सनसनी फैल गई। तो वहीं जब सुबह सूचना पर पहुंची जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर मामले की रिपोर्ट चोरी में दर्ज की जिसमें आगे की कार्यवाही की जा रही। आज जो आप कहाँ चोरी हुई है, क्या मामला? हमारे यहाँ मोहल्ले में चोरी हुई है जारी में, और ये मैं छत्तर हो रहा था तो थोड़े सोते आगे घेर लिया। घेरने के बाद हाथ पांव बांध के जो हमारे यहाँ पर सामान वाले सब भैयों के हाथ पांव बांध के और सबको ये कमरे बंद कर दिया। चोरी वोरी करके फिर हमें पड़ोसियों के यहाँ लगे, फिर पड़ोसियों के यहाँ भी सबके उनके हाथ पांव बांधे, सारा सामान लूटा। लूटने के बाद और उनके पास जो सारे हथियार थे, ये जो सबके हथियार थे उनके पास। लगभग कितने रुपए की चोरी हुई है आपकी? लगभग जो है हमारे तो 2 के आसपास की हुई है। और क्या क्या सामान गया? चीज गई है और नकदी गया 40,000 रुपये। पुलिस को सूचना दी थी क्या? हाँ, पुलिस को सूचना दी थी। आई थी पुलिस? आई थी। क्या कहें? बस अभी कंप्लेन करिए, जो FIR दर्ज हुआ देखते हैं क्या होता है। तहरीर दे दी आपने? जी, तहरीर दे दी। हाँ, तहरीर दे दी। ठीक। आज जो राज जो आपके यहाँ पर बदमाश आए थे वो कितने थे और उसके बारे में बताइएगा। लगभग 10-12 थे। अच्छा, ठीक है। और जीने पे से आए थे, हमारा जीना खुला हुआ, जीने पे से आए थे और सबसे पहले हमें जगाया और जगा के हाथ बांध दिए मेरे हस्बैंड के हाथ बांध के मुझे उठा के फिर इधर को ले आए, छोटे वालों की तरफ। मेरे बच्चे सो रहे थे वहाँ पे, मेरे बच्चों को भी नहीं उठाने दिया उन्होंने। और जब उन्होंने लूटपाट करी घर में, कमरे में, अच्छा। कमरे में जाके 70-75,000 रुपए रखे थे, वो ले गए सब, और 2-3 लाख का जेवर ले गए मेरा। अच्छा, क्या क्या है जेवर? सोने की सारी चीजें, और जो सोने की सारी चीजें, चांदी की सारी चीजें। कितने सेट थे? 2 सेट थे सोने के, 3 अंगूठी और चांदी की 5 जोड़ी पायले, और लगभग सारी चीज थी। अच्छा। वो सब ले गए। फिर हमको इनके तरफ, छोटे वाले हैं ना हमारे देवर, तो उनके पास को लेकर आए हमें, तो फिर उनके हाथ बांध दिए। फिर हमारे बिचले वाले देवर उधर रहते हैं, तो वो उनके पास को ले गए फिर हमें, उनके कमरे में हमें सबको बंद कर दिया। फिर हमें बंद करके किवाड़ आगे से बंद कर दिया और फिर लूटपाट करी सारे घर में। अच्छा, लगभग कितने रुपए की होगी सब? लगभग होगी 1.5 से 2। लगभग होगी सारी, लगभग कितने की? 10-11 लाख। अच्छा, सारा टोटल 10-11 लाख का था। पुलिस को सूचना दी थी क्या? दी थी। पुलिस आई थी जब वो भाग गए थे छप्पे से। कितनी देर बाद? ऐसी 20-30 मिनट बाद आई थी पुलिस। मोहल्ले का नाम? मोहल्ला नई बस्ती में आ रही है। अच्छा, जो आज जो आपके यहाँ डकैती हुई है इसके बारे में बताइए। सबसे पहले वो लोग छत के रास्ते जा रहे थे और हमारे जो पड़ोस में दीपक नाम का लड़का है, उसे हाथ बांध के लेकर आए थे। दीपक से भैया को जगवाया और जगाने के बाद भैया के हाथ बांध गए। फिर भैया से बोले कि अपने छोटे भाई को जगा, फिर भैया ने मुझे जगाया, फिर मेरे हाथ बांधे, फिर भैया और मुझे लेकर और दीपक को लेकर मुझसे बड़े वाले भाई के पास गए सिद्धाम के, क्या इन्हें जगाओ। उन्हें जगाने के बाद उनके हाथ बांधने के बाद हमें सबको, तीनों भाइयों को और तीन मतलब भाइयों के उन्हें तो कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद करने के बाद वो फिर डकैती अपने करने लगे। पहले भैया के कमरे में जो भी लगभग कितने रुपए के जेवरात, कितने रुपए के पैसे, जेवरात और पैसे कितने का है? भैया का 69,000 नगद और लगभग 2 लाख का जेवरात, और मेरे लगभग 36,000 नगद और 4 लाख का सामान, और मुझसे बड़े वालों का 10,000 नगद और 4 लाख का सामान। अच्छा, जो बदमाश थे, बदमाश कितने थे और बदमाश किस भेष में थे? लगभग 8 से 9 हमारे मतलब घर पे थे और बाकी जो
पड़ोसी बता रहे हैं तो दो लगभग पीछे और इधर थे, तो इतने थे बस से तो लेकर। अच्छा हाँ, कच्चा बनियान में थे और जो एक उनमें था उनमें एक मतलब ऐसे कपड़ों में था और उसने ढाटा बांध रखा था, बाकी ने ढाटा नहीं बांध रखा था। और उनके पास बंदूक तमंचे वगैरह होते, यहाँ पर बेल्ट बांध रखी थी उसमें होते तमंचे वगैरह लगा रखे थे। अमरोहा से केकेडी न्यूज संवाददाता अभिजीत सिंह की रिपोर्ट।